देखिए हम तो दिल से याद कर रहे हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। वो हमारे गौरव थे और अभी हम लोग ने कहा भी जो समारोह मनाया जा रहा है कि हमारे एक स्तंभ गिरा, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बहुत भावुक हैं इस समय और ये मानते हैं कि एक व्यक्तिगत क्षति हुई है हमारी, वो हमारी पहचान थी। जी कल अभी हमारे प्रबंध समिति ने ये फैसला लिया है, जो हमारा छात्रावास है वो माननीय अटल जी के नाम कर दिया जाएगा और हम अपने पुस्तकालय में भी कुछ सोचते हैं ऐसा कि एक ब्लॉक उनके नाम का बनाया जाए, क्योंकि खुद भी वो बहुत लर्नेड आदमी थे, वो पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति थे, कविताओं से रुचि थी, तो एक साहित्य का जो एक सेक्शन है उनके नाम किया जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं। देखिए जब हम डीएवी कॉलेज में आए तो अटल जी अपने राजनीति के उत्कर्ष पर थे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, इस नाते मेरा संपर्क उनसे बना रहा। यद्यपि मैंने उनको कई बार सुना और कई बार मैं कार्यकर्ता के नाते उनसे मिला भी, लेकिन दो तीन संस्मरण ऐसे हैं जिसमें से एक संस्मरण ये था कि अटल जी, ये 1985 की बात है, प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश की हो रही थी, तब मैं MSc करके PhD में जाने वाला था, तो अटल जी से उस समय मिलना हुआ था और अटल जी के जब पैर छुए तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे। मैंने कहा अब डॉक्टर जोशी के साथ PhD करूँगा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ। तो उन्होंने जोशी जी से कहा कि इसको ले लो, ये अपना कार्यकर्ता है। एक तो ये संदर्भ मुझे अच्छी तरह से याद है। और एक बार अटल जी छिबरा मुँह आए थे तो मैं MSc में करके PhD करने लगा था, तो अटल जी चंद सभा के बाद हॉल में बैठे हुए थे और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे, तो स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जो वहाँ के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो मेरा परिचय फिर कराए अटल जी से और कहे कि ये इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में हैं, आपको आपके चरण छूना चाहते हैं। तो मैंने दोबारा अटल जी का चरण छुआ, ऐसा ऐसा कई मौक़ों पर वो मुझे मिलते रहे। अंत में मैंने जैसा कि अभी घटनाक्रम सुनाया कि मुझे जब प्रधानमंत्री हो गए थे तब मुझे मिलने का संपर्क मौका मिला और मैंने उससे कहा कि मैं डीएवी कॉलेज कानपुर से हूँ अटल जी, तो अटल जी ने कहा कि मैं भी डीएवी से हूँ। तो उनकी हाजिर जवाबी और एक लोगों से जुड़ाव, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसी के कारण आज देश रो रहा है, समाज रो रहा है। अटल जी को याद करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी पार्टियों के लोग उनसे हतप्रभ हैं कि इतनी महामानव इस धरती से चला गया।